बनारस को गंगा जमुनी तहजीब वाला शहर कहा जाता है और इसीलिए यहाँ के अमन जैन की बात हो या फिर यहाँ के परंपराओं की बात हो तो इसका मिसाल पूरी दुनिया में दिया जाता है। हम आपको आज एक ऐसे सेवादार से मिलाने वाले हैं जो हिंदू होते हुए भी लगभग 40 सालों से वाराणसी के इस चौखम्बा स्थित मस्जिद की सेवा करते आ रहे हैं और हिंदू हो या मुसलमान हो यहाँ सभी वर्ग के लोग आते हैं और भाईचारे के साथ जो है लगभग 4 दशक से अधिक ये कारवां आगे बढ़ रहा है। बाबा हमारे साथ जुड़े हैं, आपका नाम क्या होगा बाबा? बेचन। लगभग उम्र आपकी कितनी होगी? 72 साल। कितने सालों से इस मस्जिद की सेवा कर रहे हैं? 40-50 साल से कर रहे हैं। अच्छा, क्या भाव मन में आता है, किस मतलब अगर बात कर लें तो लगभग वो इतिहास क्या है, वो परंपराएं क्या है जिन वजह से आप लगभग 40 साल से यहाँ पर हैं? बाबा का सेवा करते करते लग गए उसी में। अच्छा। आदत बना चला गया, फिर आज भी सब कुछ मर गए चले गए। अच्छा। तो हमारे जिम्मे आया तो फिर हम कर रहे हैं, बाबूजी के बाद फिर हम ही कर रहे हैं। कई लोग भी आते हैं नमाज पढ़ना, ईद बकरीद का नमाज ये हाफिज जी पढ़ाते हैं। अच्छा। और जुमा और फजीर का अजान नमाज दूसरा कोई करता है। अच्छा। और 4 टाइम कोई आया हो या पढ़ लिया आवाज जैसे आए पढ़ लिए, लेकिन ईद बकरीद का नमाज साल भर में इनके जी में। अच्छा, आप यहाँ पर ही रहते हैं? जी। अच्छा, इसी जगह रहते हैं। 40 भीतर ही रहते रहे, अब बाहर आ गए अपना बैठे आराम से, कोई आया गया। अब अकेले बैठे रह जाते हैं तो बाहर जैसे चहल पहले कोई आया गया। बाकी हिंदुस्तान में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, 40 सालों में अगर बात कर लें तो कुछ ऐसा भी समय आया जिस पर आपको लगा कि नहीं ये जो जगह है हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया के लिए भी मिसाल है, कुछ ऐसी बातें हो जो आपको याद आ रही हो? बाबा यहाँ तो कुछ भया नहीं। और अभी तक तो कोई बात ऐसा आया नहीं, अब आगे क्या होगा ये तो मालिक जाने। हाफिज जी भी हमारे साथ हैं, काफी समय से यहाँ पर आते हैं। हाफिज जी एक अद्भुत यहाँ पर एक मिसाल पेश कर रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में, ये कब से ये कारवां? ये भी तो 24 साल से लगभग हो गया, 2001 से हम आते हैं यहाँ। अच्छा, तब से यहाँ ईद बकराई की नमाज, पहले हम लोहता से आते हैं, पहले हम लोग यहाँ कई साल 5 टाइम फजर में आते थे, पूरी मस्जिद भरी रहती थी। आज जो है धीरे धीरे करके कम होते चले गया, फिर भी लोग 5 टाइम की नमाज होती है, जबकि फजर की नमाज यहाँ से अलीपुरा से एक हाफिज जी आते हैं वो नमाज पढ़ाते हैं और जुमा की नमाज पढ़ाते हैं और हम ईद बकरीद की नमाज पढ़ाते हैं। अच्छा, बाबा यहाँ पर सेवा करते हैं 40 सालों से, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान सब लोग मिल के उर्स भी होता है, उर्स में भी आप आएंगे यहाँ देखेंगे लंगर चलता है, पूरी तरकारी की जो है यहाँ पे लोग खाना खाते हैं, सब मिल के खिलाते हैं, उनको खिलाते हैं, उन सब लोग मिल के, यानी यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं एकदम। तो निश्चित ही यहाँ की ये जो मस्जिद है वर्तमान समय के साथ साथ आने वाले समयों के लिए भी एक नज़ीर पेश कर रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।